नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कोविड प्रोटोकॉल के साथ संसद का मानसून सत्र आज से। निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार का दौरा करेगा। दिल्ली सरकार ने आज से जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति दी। हिंदी दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्थान पर नए नेता का चुनाव करेगी। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डोमिनिक टीम ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। समाचार प्रभात ने आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन दो पालियों में सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की शाम की पाली में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक 18 बैठकों में 45 विधेयक और 2 वित्तीय प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 11 विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। इनमें किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक, भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक और बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक तथा मंत्रियों के वेतन और भत्तों में संशोधन संबंधी विधेयक शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी विशेष प्रबंध किए गए हैं। 18 दिनों के मानसून सत्र के लिए संसद पूरी तरह से तैयार है। कोविड 19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। संसद परिसर में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कोविड 19 संक्रमण नहीं होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट होगी। सांसदों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होगी। दोनों सदनों के चैम्बर और गैलरी का इस्तेमाल दोनों पाली में सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा। मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा और निजी विधेयक पेश नहीं किए जाएंगे। हालांकि शून्यकाल होगा और अतारांकित प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे। इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सभी सांसदों की कोविड जांच कराई गई है। हमने सभी का कोरोना टेस्ट कराया है और हमारी कोशिश है कि हम सबके सहयोग से इस सत्र को सुचारू रूप से चला सकें। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, स्वास्थ्य संबंधी सभी गाइडलाइन की पालना हम इस सत्र में करेंगे। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र आज होगा। विधानसभा सत्र दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा। कार्यसूची के अनुसार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्ष 2018-19 के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट सहित कई पत्र सभा पटल पर रखेंगे। श्री सिसोदिया सदन में दिल्ली वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन 2017-18 के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखेंगे। तमिलनाडु विधानसभा का 3 दिन का सत्र भी आज चेन्नई में शुरू होगा। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने के लिए यह सत्र फोर्ट सेंट जॉर्ज के स्थान पर बड़े कलेवनार हॉल में आयोजित होगा। सत्र से पहले सभी विधायकों की आरटीपीसीआर किट के माध्यम से जांच की गई। विधानसभा के कर्मचारियों और मीडिया संवाददाताओं की भी जांच की गई। जांच से पता चला कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के 3 विधायकों और कुछ कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन लोगों का उपचार हो रहा है। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है क्योंकि विपक्षी दल कोविड प्रबंधन, नीट परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई मुद्दे उठाने की तैयारी में है। सदन में आज पहले दिन विधायक अनवजगन और सांसद एच वसंत कुमार तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित होगा और इसके बाद कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। ये परियोजनाएं हैं पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार, दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 संयंत्र।
पूर्वी चंपारण और बांका के एलपीजी संयंत्रों की संयुक्त क्षमता प्रतिदिन 80,000 सिलेंडर की है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नए भारत नए बिहार की इसी पहचान इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही निरंतर काम करके हम बिहार और पूर्वी भारत के विकास पथ पर ले जा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सामर्थ्यम मूलम स्वातंत्रम श्रम मूलम वैभवम, यानी सामर्थ्य स्वतंत्रता का स्रोत है और श्रम शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से अधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार पैकेज के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की 10 परियोजनाओं में से 7 पूरी की जा चुकी हैं। बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट पर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत 7 राज्यों को 3,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल 2 दिन के दौरे पर आज पटना पहुंचेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 2 दिनों के दौरान चुनाव आयोग का दल पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बोधगया में डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक करेगा। बैठक में बाढ़ और कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विधि व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग का दल पटना पहुंचने के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाएगा, जहां दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत 17 जिलों के अधिकारियों के बैठक होगी। दोपहर बाद पटना में नालंदा, भोजपुर, बक्सर और पटना समेत 7 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक निर्धारित है। इसके बाद पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक का कार्यक्रम है। चुनाव आयोग का दल कल भागलपुर और बोधगया में बैठक करेगा। कल शाम दिल्ली लौटने के पहले मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। सरकार ने 7 बड़े राज्यों से सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में ऑक्सीजन के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल इस बारे में वर्चुअल बैठक की। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रबंधन सुनिश्चित करें और ऑक्सीजन सिलेंडरों को समय से भरने के लिए अग्रिम योजनाएं बनाएं ताकि इसकी कमी न हो। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे निर्माता और आपूर्तिकर्ता के बिलों का समय से भुगतान सुनिश्चित करें ताकि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन जारी करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में तैयार हो सकती है। डॉ. हर्षवर्धन ने कल सोशल मीडिया संडे संवाद प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के मानव परीक्षण प्रक्रिया पर सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा, लागत, वितरण, भंडारण और उत्पादन पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। देश में कोविड के 94,300 से अधिक नए मरीजों के सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 47.5 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 37,02,500 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 77.88% है। कोविड से मृत्यु दर कम होकर 1.65% हो गई है। कोरोना से अब तक 78,586 लोगों की मौत हुई है।
देश में कल तक 5,62,60,928 कोविड जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। कोरोना से ठीक हुए 58% नए मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा। यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था, लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड 19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 1-4-5-5-5 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव, एक सुनहरा भारत, नया भारत, तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता भारत। चाहे जल हो, आकाश या बर्फीली चोटियां, अपनी सीमाओं की दिन रात डटकर चौकसी करता भारत। गांव-गांव बिजली पानी पहुंचाता, स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण करता भारत। सफलता की ऊंचाइयां चूमता, तकनीक के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता भारत। विश्व स्तरीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमियों की फसल उगाता भारत। इस उज्जवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की तरक्की को पोषित करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स द्वारा। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें, देश की प्रगति की राह को मजबूत करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने जिम और योग संस्थाओं को आज से खोलने की अनुमति दे दी है तथा साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। जिम और योग संस्थाओं को कोविड के सभी दिशा निर्देशों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा। दिल्ली में कोविड स्थिति की समीक्षा की गई और यह फैसला किया गया कि परीक्षण के तौर पर साप्ताहिक बाजार खोलने की मौजूदा व्यवस्था 30 सितंबर तक जारी रहेगी। वर्तमान व्यवस्था में सभी तीनों नगर निगमों, NDMC, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिक संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति है। इस बीच दिल्ली में कल 4,235 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 2,18,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 1,84,000 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल 4,744 व्यक्तियों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है। इस समय दिल्ली में 28,812 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। गुजरात में कल 1,326 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 82.71% हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक कोविड 19 के लिए 32,88,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 68,828 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। संक्रमण के 1,326 नए मामलों में से सबसे अधिक 281 मामले सूरत में दर्ज हुए। राज्य में कोविड 19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,662 हो गई है। राज्य में 16,439 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 87 मरीज वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर 1,205 मरीजों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 94,010 हो चुकी है। कल 15 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,213 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 11 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कल 1,50,000 से अधिक हो गई। कल 3,913 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1,50,807 हो गई। कोरोना संक्रमण से कल 10 लोगों की मृत्यु हो गई।
राज्य में इस महामारी से अब तक 626 लोगों की जान गई है। इस समय 34,849 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 1,15,279 हो गई है। कर्नाटक में कल कोरोना के 9,894 नए मरीज सामने आए। किसी एक दिन में संक्रमित लोगों की अब तक की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,59,445 हो गई है। कल 8,402 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 3,52,958 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। राज्य में इस समय 99,203 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें 807 लोग गहन चिकित्सा कक्ष में हैं। कर्नाटक में कोविड 19 से 7,265 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में अब तक कर्नाटक में 38,976 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी से स्वस्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ्य लाभ और कल्याण के लिए कोविड प्रबंधन नियमावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन दर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं। नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने, स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। प्रोटोकॉल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड 19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज रॉय ने बड़ी उम्र के लोगों तथा हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। They have to be extra cautious. So the elderly, the people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, or people who have low immunity, people with diabetes, hypertension, in general, who are people who are more than 65 years of age, they are much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। It's very important to maintain the social distancing and the isolation because there is no treatment for coronavirus. The only way we can control this disorder is prevention and that is the reason social distancing is very important. आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोविड प्रोटोकॉल के साथ संसद का मॉनसून सत्र आज से। निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार का दौरा करेगा। दिल्ली सरकार ने आज से जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति दी। हिंदी दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्थान पर नए नेता का चुनाव करेगी। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डोमिनिक टीएम ने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। हिंदी दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। एक रिपोर्ट। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव 12 सितंबर 1949 की शाम को प्रस्तुत किया गया। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने को लेकर संविधान सभा में कोई विरोध नहीं था। इसकी वजह से सिर्फ 2.5 दिन की बहस के बाद हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी को राजभाषा बनाने और उसके विकास के लिए किए जाने वाले उपायों की चर्चा की गई है। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार गैर हिंदी भाषी राजनेताओं और विद्वानों ने दिया। पहली बार 1875 में बंगाल के विद्वान केशव चंद्र सेन ने हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार दिया। इसके बाद गुजराती साहित्यकार नर्मदा शंकर दवे ने 1880 में इस विचार का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष रहते 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने इस विचार को आगे बढ़ाया। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश भर में चल रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध संस्कृति के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। इस अभियान के अंतर्गत आपसी संपर्क के लिए दो विविध संस्कृति के प्रदेशों को साथ लिया जाता है। इसी उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच वेबिनार के माध्यम से कई गतिविधियों का आदान प्रदान हुआ। होटल प्रबंधन संस्थान श्रीनगर और चेन्नई संस्थान के बीच 31 अगस्त को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गूगल मीट के माध्यम से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। बावर्ची मोहम्मद यासीन ऋषि ने कश्मीरी व्यंजनों और यहां की संस्कृति पर एक परिचय और जागरूकता सत्र दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि कैसे मांसाहारी व्यंजन कश्मीरी वाजवान जिसमें तबक मांस गोश्ताब रोगन जोश रिश्ता और कबाब शामिल है को विवाह समारोह जैसे विशेष मौकों पर तैयार किया जाता है। उन्होंने दमालू नदरू यखनी पनीर पुलाव मंजहा जैसे शाकाहारी व्यंजनों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि कैसे लेदर सामन जैसे व्यंजन को हल्दी पर आधारित क्रीमी ग्रेवी में तैयार किए गए पनीर से बनाया जाता है। इसके अलावा मोहम्मद यासी ने यह भी बताया कि कैसे कश्मीरी कहवे जिसे कश्मीरी पंडित मुगल चाय भी कहते हैं को अखरोट बादाम और कश्मीरी केसर से तैयार किया जाता है। इस चाय को धार्मिक स्थानों त्योहारों और विवाह समारोह में परोसना कश्मीरी संस्कृति के साथ एक रिवाज बन गया है। चेन्नई के प्रतिभागियों ने कश्मीरी व्यंजनों की जानकारी प्राप्त कर ली और इच्छा जाहिर की कि ऐसे कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भविष्य में भी होने चाहिए। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज लेह में कई खेल सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। वे एक खुले स्टेडियम में फुटबॉल के लिए सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ और एनडीएस इंडोर स्टेडियम में जिम्नेजियम हॉल का शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बेटर दैट इज व्हाई आई हैव कम टू लद्दाख टू स्टार्ट द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। वी वांट टू प्रमोट विंटर स्पोर्ट्स हियर मोर, इवन एथलेटिक्स एंड अदर कॉमन स्पोर्ट्स आल्सो, एंड स्पेसिफिकली द विंटर स्पोर्ट्स लाइक आइस हॉकी एंड अदर एडवेंचरस स्पोर्ट्स, लद्दाखीज आर वेरी गुड। लेह में बनने वाली सुविधाओं से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेल विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री को आइस हॉकी को मान्यता देने और लद्दाख में अन्य साहसिक और विंटर गेम्स के विकास के संबंध में आज महत्वपूर्ण घोषणा करने का उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। प्रधानमंत्री के डिजिटल मंत्र के बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश में पहली ई विद्युत वितरण कंपनी हो गई है। राज्य की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि के लिए कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 27 जुलाई से एनआईसी ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ई फाइल एवं ई पत्राचार व्यवस्था लागू की है। ई ऑफिस प्रणाली के लागू होने से उपभोक्ताओं के कार्य जल्दी हो रहे हैं, साथ ही भौतिक रूप से फाइल का मूवमेंट नहीं होने एवं मानव रहित व्यवस्था से कोरोना संक्रमण से भी बचा जा रहा है। ई ऑफिस प्रणाली के साथ साथ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एक दर्जन से भी अधिक आईटी आधारित सुधार लागू किए गए हैं जो कि देश के पावर सेक्टर में मिसाल बन गए हैं। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा, यूपे ऐप, मेंटेनेंस ऐप, सेल्फ मीटर रीडिंग की सुविधा, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग जैसे अनेक सुधार कंपनी में लागू किए गए हैं जिसका उपभोक्ताओं और कंपनी दोनों को परस्पर लाभ मिल रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद पार्टी अब अपना नया अध्यक्ष चुनेगी। सत्तारूढ़ पार्टी जिसे चुनेगी वही प्रधानमंत्री नामित होगा। बुधवार को जापान की संसद के विशेष अधिवेशन में नए प्रधानमंत्री के चुने जाने की पुष्टि होगी। श्री आबे के वफादार समर्थक और मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहिदे को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा और पूर्व विदेश मंत्री फ्यूमियो किशिदा भी प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक टीएम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क के आर्थर रैश स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में टीएम ने जेवरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 से हराया। अमरीकी ओपन के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने शुरुआती 2 सेट हारने के बाद मैच में वापसी की और खिताब जीता। और अब देशभर में आज के मौसम के अनुमान पर एक नजर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और सामान्य वर्षा हो सकती है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चलें चेन्नई तो वहां गरज के साथ आंधी वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में भी गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दोपहर या शाम तक बादल घिर सकते हैं। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर चले तो गुवाहाटी में एक या दो बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़ जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा। यही तो खूबी है इस योजना की, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 1-4-5-5-5 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। संसद का मॉनसून सत्र आज के अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोरोना काल का पहला सत्र आज से। राजस्थान पत्रिका का कहना है 5 मुद्दों पर होंगे दो दो हाथ, चीन विवाद और बेरोजगारी पर घेरेगा विपक्ष। अमर उजाला का शीर्षक है 7 दिन में कोरोना संक्रमण से दुनिया की सबसे ज्यादा मौतें भारत में, ठीक होने की दर भी सर्वाधिक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड से उबर चुके लोगों के लिए पहली बार जारी की नियमावली, स्वस्थ होने के बाद भी रहें सतर्क, आयुष मंत्रालय की औषधियां और योग प्राणायाम पर दें ध्यान। वीर अर्जुन की बड़ी खबर है भूटान की जमीन हथियाने में जुटा है चीन, पश्चिमी और मध्य भाग में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती, आगामी वार्ता में सौदेबाजी के लिए घुसपैठ और अतिक्रमण का कर सकता है इस्तेमाल। दैनिक जागरण का शीर्षक है GST क्षतिपूर्ति फार्मूले पर 13 राज्यों की सहमति, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा भरपाई के लिए कर्ज लेने को तैयार, बंगाल, महाराष्ट्र समेत 6 गैर भाजपाई राज्य अब तक नहीं माने। हिन्दुस्तान की विशेष खबर है कोरोना काल में परीक्षा का तनाव बच्चों पर भारी, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सामने आए खुदकुशी के मामले, बेहतर प्रदर्शन के लिए बच्चों पर न डालें दबाव, नीट की परीक्षा में कल लाखों अभ्यर्थी हुए शामिल। हरी भूमि की खबर है भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हिन्दी में किया न्यूज लेटर प्रकाशित, सर्कुलेशन 2.5 लाख के पार। अटल बिहारी विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग की 550 पुस्तकों का हिंदी में कराया अनुवाद, अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड प्रोटोकॉल के साथ संसद का मॉनसून सत्र आज से। निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार का दौरा करेगा। दिल्ली सरकार ने आज से जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति दी। हिंदी दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्थान पर नए नेता का चुनाव करेगी।
और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डोमिनिक थियम ने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।